महागठबंधन अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास का समूह है, यह राजनीतिक पार्टी नहीं है। या इनका उद्देश्य बस एक ही है कि देश में दोबारा नरेंद्र मोदी ना बने, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता ने पूरी तरह से तैयार है और उनके इस अभियान को पूरी तरह से हम रोकेंगे। जो गुट है जिनमें आपस में द्वंद्व निर्णय का इतना भाव है, वह भविष्य की राजनीति और देश की राजनीतिक भला कैसे तय कर सकते हैं? खतरे में लगातार बैठकों का दौर जारी, नेता पहुंच रहे हैं। देखिए, महागठबंधन जो है अपने आप में एक बड़े विरोधाभास का समूह, ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि देश में दोबारा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोके, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता पूरी तौर से तैयार है और ये उनके इस अभियान को हम पूरी तरह से सफल करेंगे। और जो गुट है, जो आपस में इतना द्वंद्व है, जो निर्णय का इतना अभाव है, वो भविष्य की राजनीति और देश की राजनीति को भला कैसे तय कर सकते हैं? सर, कांग्रेस जो है राहुल गांधी को पीएम प्रोजेक्ट करना चाहती है, लेकिन हर एक स्टेट में वो बी टीम बनते जा रही है। वो मौका चूक गए। सुखबीर सिन्हा जी आज विधिवत पता नहीं उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। महागठबंधन में चल रहे घमासान के बीच राजद के प्रधान महासचिव आलोक मेहता भी तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कुछ सीटों को लेकर मतभेद जरूर है, लेकिन महागठबंधन में किसी तरह गतिरोध नहीं है। वहीं उन्होंने तेज प्रताप यादव के सवाल पर पूरी तरह चुप्पी साध ली। जो भी आप लोग बता रहे हैं वही खबर मिली है, मैं कंफर्म नहीं हूं। अभी राय मशवरा विचार के क्रम में ये सब बातें होती है और किसी की व्यक्तिगत राय मैं समझता हूँ कि इससे महागठबंधन अभी भी एकजुट है और कहीं किसी तरह का कोई मतलब एकता में कहीं कमी नहीं। क्या आज 6 बजे के जो पीसी है वो है, वो अलग अलग तरह के बयान दे सकते हैं, व्यक्तिगत राय दे सकते हैं, देते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि महागठबंधन में किसी तरह का इसी नियत समय पर सारे दलों के साथ होगी। वो अधिकृत व्यक्ति आपको इस संदर्भ में आलोक जी होंगे और उसी के हिसाब से सब चलेंगे। आलोक जी, सारे नेताओं ने अपने दायरे में रैली कर दी है, मान ही आ रहा है, माना जाए कि सब ठीक नहीं है और अब गठबंधन टूटना तय है। सब ठीक होता है तभी ऐसा होता है। देखिए तेज प्रताप जी, नेताओं ने दौरे क्यों रद्द किए हैं? नेताओं ने क्यों दौरे रद्द किए? बोल लीजिए सर, उसके बाद ये बताइए कि तेज प्रताप जी ने 2:30 बजे पार्टी ऑफिस में पीसी बुलाई है और उसमें वो जहानाबाद और शिवहर सीट है, उस सीट पर वो अड़े हुए हैं। आखिर पार्टी के भीतर ऐसा क्यों हो रहा है? राय देने का हक तो सबको है ना, राय दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने बोला है पार्टी में हम लोग सीट है, वो जो राय दे रहे हैं तो फिर आप प्रधान महासचिव है पार्टी के। हाँ हाँ, तो राय दे रहे हैं पार्टी कांग्रेस के सदस्य दिल्ली गए हुए हैं। अरे तो दिल्ली राजधानी उनकी दिल्ली ही है, इसलिए गए हैं, क्या दिक्कत? पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के राष्ट्रीय पथ संख्या के पास बालू से लदा हाईवा गाड़ी ने बाइक को इतना जबरदस्त टक्कर मारा कि बाइक पर सवार 2 युवक के चिथड़े उड़ गए, यानी हाईवा गाड़ी से ही युवक के शरीर सड़क पर ही ढेर हो गए। हाईवा ड्राइवर गाड़ी छोड़ भाग निकला। सड़क दुर्घटना की खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लिया, साथ ही हाईवा गाड़ी को भी कब्जे में लेकर मामले की जाँच में जुट गयी है। फिलहाल पुलिस युवक के बाइक से ही पता कर रही है कि युवक कौन है और कहां जा रहा था। सर, क्या हुआ, किस तरह की घटना घटी है? सर, एक्सीडेंट दुर्घटना हुई है जिसमें 2 व्यक्ति की मौत हो गई है। कहां का कुछ पता चल पाया है? सर, नहीं अभी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद करेंगे मीडिया से बात। अरे को लौट के आने दीजिए। नहीं, लौट के लौट के लौट के लौट के लौट के लौट के आ रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।